इंसान जितनी ताकत और ऊर्जा लगाकर इंसान से लड़ाई करता है, अगर उतनी ताकत और ऊर्जा जीवन के परेशानियों को हल करने में लगा दे तो उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे लड़ाई झगड़े का सीधा असर हमारी आज की पीढ़ी पर हो रहा है। मानसिक रूप से कमजोर इंसान क्रोध करते हैं और हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। झगड़ा करने पर क्रोध में इंसान 80% सच बोलता है। वो एक दूसरे के बारे में जो विचार रखते हैं उसे कह ही देते हैं। ताकतवर और कमजोर में जब भी झगड़ा होता है तो अधिकतर गलतियां ताकतवर पक्ष की होती है, मगर वो उसे मानते नहीं और बल का प्रयोग कर जीत जाते हैं। आज युवा पीढ़ी की एक ऐसी घटना सामने आई है जो मन को काफी झिझोड़ कर रख देती है। खेलने के दौरान बच्चों की लड़ाई में हुई बड़ों की चाकूबाजी। आपको बता दें कि शनिवार को बांका थाना अंतर्गत जितवारपुर गांव में बच्चों के खेल में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें दिगंबर मंडल के 18 वर्षीय पुत्र चंद्रशेखर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका पुलिस ने बांका सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया है। पीड़ित चंद्रशेखर बताया कि उसका भैगना बांध पर अन्य बच्चों संग खेल रहा था, जिस दौरान झगड़ा हो गया और इसी विवाद में गांव के ही एक बच्चे का अभिभावक संतोष कुमार उर्फ अंतराम मेरे भैगना को लात घूंसे से मार रहा था। जानकारी मिलने पर घर से आकर छुड़ाने के दौरान मुझसे भी उलझ गया और चाकू से हमला कर दिया, जिस संबंध में बांका टाउन थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इस बाबत घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अवर निरीक्षक महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि युवक का प्राथमिक इलाज करा लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपित की गिरफ्तारी कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बांका से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, समाचार आज तक। जितारपुर कैसे हुआ ये? ये बांध पे मेरा भगना खेल रहा था, उसको लात से मारने लगा। हम लोग कुछ नहीं किए तो हम बाहर के लिए छुरा भोंक दिया। कौन भोंक दिया छुरा? क्या नाम है? अंतराम कुमार, संतोष कुमार है। संतोष कुमार नाम है। कहाँ का रहने वाला? गांव का ही रहने वाला है। वही आपको चाकू मारा? कहा मारा? मारने का वजह क्या था? मारने को वजह नहीं है, ऐसे ही मार दिया। ऐसे घर से हम निकला और चाकू मार दिया। पहले से कोई विवाद झगड़ा? कोई विवाद नहीं।